ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा आराधना का व्रत एकादशी, जो कि हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में दो बार आती है, एक शुक्ल पक्ष में तो दूसरी कृष्ण पक्ष में। इस दिन श्री हरि भगवान विष्णु के पूजन कर साधक को नियम पूर्वक व्रत करना चाहिए। सनातन धर्म में एकादशी व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार पापांकुशा एकादशी 16 अक्टूबर दिन शनिवार को पड़ रही है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से पापों का प्रायश्चित होता है और व्यक्ति इस लोक के सुखों को भोगते हुए मोक्ष को प्राप्त करता है। चलिए जानते हैं क्या है पापांकुशा एकादशी, पारण मुहूर्त, महत्व और पूजन विधि। पापांकुशा एकादशी का महत्व। पापांकुशा एकादशी का व्रत नियम पूर्वक और निष्ठा के साथ करने से मन पवित्र होता है और साधक में सद्गुणों का समावेश होता है। इस एकादशी के व्रत से पापों का प्रायश्चित होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से कठोर तप के समान फल की प्राप्ति होती है। इस दिन मौन रहकर श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ और मंत्र जप करना चाहिए। अब चलिए जानते हैं पापांकुशा एकादशी का शुभ मुहूर्त और पारण समय क्या है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत 16 अक्टूबर 2021 दिन शनिवार। एकादशी तिथि प्रारंभ 15 अक्टूबर 2021 दिन शुक्रवार शाम 6:02 से। एकादशी तिथि समाप्त 16 अक्टूबर 2021 दिन शनिवार को शाम 5:37 पर। पारण के दिन द्वादशी तिथि समाप्ति का जो समय है 17 अक्टूबर 2021 दिन रविवार को शाम 5:39 पर। एकादशी व्रत पारण का समय प्रातः 6:23 से 8:40 तक। अब एकादशी का जो व्रत है उसकी पूजन विधि क्या है, चलिए जानते हैं। एकादशी व्रत के नियम दशमी तिथि से ही शुरू हो जाते हैं, इसलिए दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि को प्रातः उठकर स्नान आदि करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लें। कलश स्थापना करके उसके पास में आसन पर भगवान श्री हरि विष्णु की तस्वीर स्थापित करें। अब धूप दीप और फल फूल आदि से भगवान विष्णु का विधि पूर्वक पूजन करें। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि को किया जाता है। द्वादशी तिथि को प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करने के पश्चात पूजन करें। अब सात्विक भोजन बनाकर किसी ब्राह्मण को करवाएं और दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में आप भी व्रत का पारण करें। इस प्रकार से पापांकुशा एकादशी के नियमों का पालन करें। आप सभी को पापांकुशा एकादशी की शुभकामनाएं।